अनुसूचित जाति विभाग महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष संतोषी गजभरी ने उक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि कृषि उपज मंडी समिति छिंदवाड़ा में पदस्थ राजेश उइके विगत 6 से 7 वर्षों से मंडी निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। विगत 3 से 4 माह पूर्व उइके मंडी निरीक्षक को छिंदवाड़ा मंडी में की गई अनियमितता के लिए निलंबित कर आंचलिक कार्रवाई जबलपुर में संलग्न किया गया था, किंतु निलंबन के कुछ दिन बाद ही पैसे के बल पर जांच को लंबित रखते हुए निलंबन से बाहर हो गए एवं कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहपुर में पदस्थ रहे। विभागीय जांच पूर्ण होने के बाद पुनः छिंदवाड़ा मंडी में स्थानांतरित होकर आए। तब से वर्तमान तक छिंदवाड़ा मंडी में एक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उइके की नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक उनके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम बेनामी संपत्ति क्रय की गई है तथा छिंदवाड़ा में एक आलीशान मकान बनाकर निवासरत है। उइके की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है, इसलिए उइके का स्थानांतरण करने हेतु दिनांक 8 फरवरी को कलेक्टर महोदय को आवेदन देकर इसकी जांच करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस मुख्य रूप में ममता चौखे, प्रीति बास्कर, नीतू नामदेव, अलका शुक्ला, नीता साहनी, संजय लारोकर, सुनीता लारोकर, निशा लारोकर, आरती यादव एवं अनिल गजभिये अन्य संगठन की महिलाएं भी उपस्थित रही। कृषि उपज मंडी समिति में 6-7 साल से जो वहाँ पदस्थ थे उइके जी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द, अभी हाल ही में उन्होंने उनका सस्पेंड हो गए थे वो, तो फिर से उन्हें वापस लाया गया और उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था। ट्रांसफ़र होने के बाद भी उन्हें यहाँ वापस लाया गया, तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ से उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं इसके बाद हम और उग्र आंदोलन करेंगे। यदि वो उनको हटाया नहीं गया तो हम और बड़ी संख्या में महिलाओं को लेके आएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बार बार क्यों लाया जा रहा है, क्या सेटिंग चल रही है जनता पार्टी वालों की, तो उन्हें बार बार यहीं रखा क्यों जा रहा है उनको।